हम सबके दराज के स्टोर बन चुके हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे जब हम दराज का अकाउंट लॉगिन करते हैं, हमारे पास जो ऐसा इंटरफेस आ रहा होता है, इस पूरे डैशबोर्ड को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट हैंड, आप अगर स्क्रीन के सामने बैठे हो तो आपका भी यही लेफ्ट हैंड होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा है ऑरेंज कलर का बटन, ये लोगो नहीं है, ये है बटन, इसको कहते हैं होम बटन। जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक करा, आप होम पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। आप जहां भी हो, जिस भी टैब पे घूम रहे हो, आप मेन पेज पर आ जाएंगे जब आप दराज का स्टोर जो है वो लॉगिन करते हैं। उसके नीचे आपको मिलता है सर्च बटन, अगर आपको कोई चीज डायरेक्ट सर्च करनी हो तो आप यहां से कर सकते हैं। उसके नीचे आपको मिलता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर आपको सब कैटेगरीज मिल रही होगी। इसके अंदर आपको मिलता है मैनेज प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, मीडिया सेंटर, मैनेज इमेज और बल्क ऐड। अब ये बारी बारी देख लेते हैं सारी चीजें क्या है। सबसे पहले है मैनेज प्रोडक्ट, मैं मैनेज प्रोडक्ट के टैब में आता हूँ। मैनेज प्रोडक्ट में क्या होता है, आप अपनी प्रोडक्ट को जिस जगह से मैनेज करेंगे, पूरी ओवरऑल मैनेजमेंट आप जहां से देखेंगे, प्रोडक्ट का SKU अगर आपने एडिट करना हो, प्रोडक्ट का आपने प्राइस एडिट करना हो, प्रोडक्ट का आपने स्टॉक एडिट करना हो, आपने प्रोडक्ट को डिलीट करना हो, अपने प्रोडक्ट को जो है वो होलीडे पे लगाना हो, सारी चीजें आप जो है वो मैनेज प्रोडक्ट में करेंगे। मैं मैनेज प्रोडक्ट के टैब में आया और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आई हुई है। मैं यहाँ से इसको एडिट करके प्राइस चेंज कर सकता हूँ, स्टॉक अपडेट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको मोर पे क्लिक करके डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से अपनी प्रोडक्ट को ओवरऑल मैनेज करते हैं। उसके बाद दूसरा टैब है एड प्रोडक्ट, अपने नाम से वाजे है कि हम यहाँ से अपनी प्रोडक्ट को एड कर पाएंगे, यानी कि बेचने के लिए लगा पाएंगे अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर, ठीक है। प्रोडक्ट अपलोडिंग की एक सेपरेट क्लास होगी, किस तरीके से टाइटल डिस्क्रिप्शन AI की मदद से लिखना है वो सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरे नंबर पर आ रहा है मीडिया सेंटर। ये मीडिया सेंटर क्या बल होती है, जिस तरीके से गूगल आपको गूगल ड्राइव देता है डेटा रखने के लिए, इसी तरीके से दराज आपको मीडिया सेंटर देता है डेटा रखने के लिए, जिसके अंदर आप 10 GB तक का डेटा जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, ये किस काम आएगा सुनिएगा। अब देखें, आप यूनिवर्सिटी में भी काम कर रहे हैं, आप कॉलेज में भी काम कर रहे हैं, आप घर में भी काम कर रहे हैं, अब तीनों जगह से आपने अपने दराज के स्टोर को मैनेज करना है। आपका प्लान ये है कि आज यूनिवर्सिटी में एक फारिग पीरियड है तो मैं लाइब्रेरी में बैठकर जो है प्रोडक्ट अपलोड करूंगा। अब प्रोडक्ट की इमेजेस और वीडियोस तो आपके पास है नहीं, या तो आपको मोबाइल में रखनी पड़ेंगी या तो आपको USB अपने साथ लेके घूमनी पड़ेगी। उसका आसान हल ये होता है कि आप मीडिया सेंटर में पहले से अपनी इमेजेस, अपनी वीडियोस को अपलोड कर दें। जब आप अपलोडिंग करने बैठेंगे तो आपको कहीं एक्सटर्नल डिवाइस से अपनी प्रोडक्ट की तस्वीरें इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी, आप डायरेक्ट ही मीडिया सेंटर से तस्वीर इम्पोर्ट करके अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पे आप डिफरेंट जो है फोल्डर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू फोल्डर और यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैमरा और मैं यहाँ से फोल्डर बना दूंगा तो कैमरे का फोल्डर आ जाएगा। मैंने एग्जाम्पल दी, इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के फोल्डर बना सकते हैं। इमेजेस के फोल्डर अलग बनाएंगे और वीडियो के फोल्डर जो है वो अलग बनाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको बता दूं, 3 nominees निकलेंगे, उसके बाद में 3 से 3-3 सवाल करूंगा दराज से रिलेटेड, और 3-3 सवाल में से अगर वो सही जवाब देंगे तो ही वो जो भी चीज है वो आपको मिल पाएगी, अदरवाइज आपका नाम सबसे अच्छा हो भी तो आपको नहीं मिलेगा। ये अभी अभी मेरे दिमाग में आया, वैसे ये पॉलिसी नहीं थी, ये पॉलिसी मैंने अभी लगाई है ताकि आप क्लास अच्छे से ले लें। उसके बाद है मैनेज इमेज, ठीक हो गया। हम आएंगे मैनेज इमेज के अंदर, ये सुनने के बाद मेरा नेट भी थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है। अब आपने अगर अपनी प्रोडक्ट की इमेज को चेंज करना है या और मजीद इमेजेस ऐड करने है तो आप इमेजेस में से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने SKUs की इमेजेस देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने जो आइटम आप डाले उसकी इमेजेस, आपकी जिस प्रोडक्ट की इमेज मिसिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक हो गया। बल्क एडिट के अंदर क्या होता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ अपलोड करें तो आप बल्क एडिट से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करिएगा मत, बहुत सारे बच्चों को मसला आता है और अपना टाइम जाया करते हैं, तो 1 by 1 कर लीजिएगा। आपने वैसे भी अभी जो है रश नहीं लगाना है अपने दराज के सेंटर के ऊपर, सिर्फ 4 प्रोडक्ट में आपसे अपलोड करवाऊंगा। उसके बाद है फुलफिलमेंट बाय दराज, आपको FBT बताया था, FBT का पूरा पोर्टल है जहाँ से अपनी FBT मैनेज करते हैं। उसके बाद है ऑर्डर एंड रिव्यूज, ऑर्डर रिव्यूज के अंदर फिर जाता है, यहाँ पे हमें सबसे पहले मिल जाता है मैनेज ऑर्डर, वहां पे हमें था मैनेज प्रोडक्ट, यहाँ पे हमें मिल रहा है मैनेज ऑर्डर्स। मैनेज ऑर्डर्स के अंदर क्या होता है, आप अपने ऑर्डर्स को मैनेज यहाँ से कर पाएंगे। कुछ आ रहा है समझ में या बस मैं बोली जा रहा हूँ, अगर आ रहे तो बोले हाँ, नहीं आ रहे तो बोले ना। हाँ ठीक हो गया, एक ने बोला हाँ, दूसरे ने बोला हाँ, तीसरे ने भी हाँ, बस 3 बंदे हाँ बोल, 2 की गवाही पे तो निकाह भी हो जाता है, 3 की गवाही पे मेरे ख्याल से फांसी हो जाती है, तो मान लेना चाहिए, ठीक हो गया। सो मैनेज ऑर्डर्स के अंदर आप अपने ऑर्डर्स को
पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपको पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे नजर आएंगे, रेडी टू शिप ऑर्डर यहाँ पे नजर आएंगे, शिप ऑर्डर यहाँ पे नजर आएंगे, डिलीवर कैंसिल रिटर्न फेल्ड रिफंड ओनली, सारी चीजें आपको अपने ऑर्डर से रिलेटेड होंगी वो यहाँ पर नजर आ रही होंगी। आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं बाय द वे, ठीक है। उसके बाद है मैनेज रिव्यूज, आपके प्रोडक्ट पे जो रिव्यूज आए होंगे आप उसको यहाँ से मैनेज करेंगे। उसके बाद शेड्यूल ड्रॉप ऑफ, अगर आप दराज के हब जाके पार्सल छोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी उसको शेड्यूल कर सकते हैं। जिनके घर से दराज का हब दूर होता है और वो कह रहे होते हैं कि यार अब तो पेट्रोल बहुत लग जाएगा प्रोडक्ट छोड़ने में, मुझे एंड में याद दिलाइएगा, उसका मैं आपको एक हल बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न मतलब आपके कस्टमर के जो भी रिटर्न आ रहे होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टूल अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अभी तो सर एवं थे आपको मतलब नाम से भी समझ में आ रहे होंगे, मैं ना भी पढ़ाता तो आप लोग समझ जाते सारी चीजें क्या। ये समझिएगा, ये वो जगह है जहां से आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, ये वो जगह है जहां पे आप अपने दराज के ऑर्डर्स ला सकते हैं, ये वो जगह है, ठीक है। नंबर वन पर है कैंपेन, ठीक है, इसको समझिएगा, मैं आऊंगा कैंपेन के ऊपर। अब आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की कैंपेन आपको शो होंगे दराज के साथ, जैसे 11-11 चलती है, 12-12 चलती है, अभी जो है वो कुर्बानी की कैंपेन चल रही है, वो सारी कैंपेन आपको यहाँ पे शो होंगे जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। हर कैंपेन के लिए हर बंदा एलिजिबल नहीं होता। कैंपेन ज्वाइन करने का जो बेसिक क्राइटेरिया वो ये होता है कि आपने जो है वो कुछ परसेंट डिस्काउंट देना होता है और आपको आपकी जो प्रोडक्ट है वो कैंपेन में चली जाती है जिससे आपकी सेल्स बढ़ती है। स्पेशल इन्विटेशन के अंदर आपको वो इन्विटेशन आएगा जो दराज ने आपको दिए होंगे ज्वाइन करने के लिए, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। अवेलेबल कैंपेन के अंदर आपको वो कैंपेन शो होंगे जो इस वक्त अवेलेबल होंगे, रजिस्टर्ड के अंदर वो शो होंगे जो आपने कभी रजिस्टर्ड की होंगी, इन एलिजिबल के अंदर वो कैंपेन शो होंगे जिसके लिए आप फिलहाल एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे आपको डेली सेल्स शो होंगे और यहाँ पे आपको डेली प्रमोशन शो होंगे। अगर आप उसमें डिस्काउंट देके अवेल करना चाहें, उस कैंपेन को ज्वाइन करना चाहें, उस प्रमोशन को ज्वाइन करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप ये देखिए वीकली कैंपेन लगी हुई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्यूटी वीक ऑल सेलर्स के लिए लगी हुई है, ये कह रहे हैं कि 2% आप जो है अपना यहाँ पे सेल्स बढ़ा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी 1 जुलाई 2023 को 11 बजे, यानी कि तकरीबन 12 बजे, 4 दिन 3 घंटे 9 मिनट और 19 सेकंड रहेगा, यहाँ पढ़ेंगे तो 20-15 सेकंड ही रह जाएंगे, ठीक है। और ये कैंपेन का लाइव पीरियड आ रहा है, यानी कि 3 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक 10 दिन तक होगी। मैं यहाँ पे ज्वाइन के बटन पे क्लिक करूंगा, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर और मैं यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ठीक हो गया। अब आप भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैंपेन्स में ये होता है कि आपको जो होता है वो डिस्काउंट देना पड़ता है 10%, 15%, 20%, तो आप उसको ज्वाइन कर पाते हैं। आप इंस्टेंटली इस कैंपेन्स को ज्वाइन करेंगे तो आप सारी कैंपेन्स के लिए एलिजिबल होंगे और आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो कैंपेन्स से बना पाएंगे। आपको सजेस्ट ये करूंगा कैंपेन्स के लिए जब आपके दिमाग में होगा कि मैंने फ्यूचर के अंदर इस प्रोडक्ट की कैंपेन में ऐड करवाना तो उसके ऊपर प्राइस कुछ बढ़ा के लगाइएगा ताकि जब आप उस पर डिस्काउंट दें तो आपके नुकसान में ना जाए। नंबर टू पर आता है फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग अपने नाम से वाजे है, हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट पे या अपने स्टोर पे फ्री शिपिंग लगा के कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की तरफ, ठीक हो गया। सबसे पहले फ्री शिपिंग लगाने के लिए यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा। देखिए कैसे करा, दराज पे लॉग इन करा, दराज पे लॉग इन करने के बाद सेलर टूल्स में आया, सेलर टूल्स में आने के बाद फ्री शिपिंग में आया, फ्री शिपिंग में आने के बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करा तो मैं यहाँ पर आ गया। सबसे पहले प्रमोशन का नाम लिखेंगे, ये नाम सिर्फ आपको शो होगा किसी और को शो नहीं होगा, मैंने लिखा टॉयस, ठीक है, ऐसे आपको सिखाने के लिए। यहाँ पे आप बजट लिखेंगे, आप कितने की फ्री शिपिंग देना चाहते हैं, मजे की चीज है, समझिएगा। बहुत से लोग समझ रहे होते हैं कि फ्री शिपिंग लगा देंगे दराज पे करेगा, दराज पे नहीं करेगा, आपका खालू नहीं है, आप अपनी जेब से पे करेंगे, यानी कि आपका जो प्रॉफिट होगा उससे शिपिंग के पैसे कटेंगे, कस्टमर शिपिंग के पैसे पे नहीं करेगा। यूजुअली 200 से 300 रुपए के दरमियान में शिपिंग हो जाती है अगर आपका 1/2 किलो से 1 किलो का पार्सल है। मैंने बजट रखा 5,000 रुपए, मैंने कहा 5,000 रुपए की मैं जो है वो फ्री शिपिंग देना चाहता हूँ। यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो आप बोले भाई कोई कंडीशन नहीं है, या आप मिनिमम ऑर्डर वैल्यू की कंडीशन लगा दें। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू की कंडीशन क्या होता है कि भाई अगर 1,000 रुपए का ऑर्डर होगा तो ही आपको फ्री शिपिंग मिलेगी, 1,000 रुपए से कम का मेरे स्टोर से ऑर्डर करोगे तो फ्री शिपिंग नहीं मिलेगी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रमोशन पीरियड है कि लॉन्ग टर्म लगाना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक पीरियड है। मैंने कहा भाई एक स्पेसिफिक पीरियड है और वो है 28 जून से लेकर 5 जुलाई तक, ठीक हो गया, मैंने ओके कर दिया। तो अब 28 जून से 5 जुलाई तक फ्री शिपिंग लग जाएगी। यहाँ पे रीजन आ रहा है, वो पूछ रहा है कि सिर्फ
कराची में, किसी सिर्फ इस्लामाबाद में, किसी स्पेसिफिक रीजन में लगाना चाह रहे हो या पूरे पाकिस्तान में लगाना चाह रहे हो? अगर पूरे पाकिस्तान में लगाना चाह रहे हो तो ऑल पे क्लिक कर देंगे, या स्पेसिफिक रीजन में लगाना चाह रहे हैं। अगर वो अपने शिपिंग के पैसे बचाने हैं तो अगर आप कराची में बैठे हुए और आप सिर्फ कराची में फ्री शिपिंग लगाते हैं तो आपको शिपिंग की कॉस्ट कम पड़ेगी, ठीक है। और लेकिन आपको उससे कस्टमर सिर्फ कराची का ही मिलेगा, ठीक है, फ्री शिपिंग के ऊपर। अब यहाँ से मैंने कहा कि मैं कराची में लगाना चाह रहा हूँ, अगर आप दो तीन ऐड करना चाह रहे हो तो आप इसमें 20 सिटीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में फ्री शिपिंग लगाना चाह रहा हूँ। वो पूछा डिलीवरी ऑप्शन क्या दोगे, एक्सप्रेस दोगे या स्टैंडर्ड दोगे? एक्सप्रेस थोड़ी सी महंगी होती है, थोड़ी सी जल्दी पहुंच जाती है, स्टैंडर्ड थोड़ी सी सस्ती होती है, थोड़ी सी लेट पहुंचती है। मैंने कहा भाई मैं स्टैंडर्ड दूंगा। नीचे ऑप्शन मिल रहा है कि पूरी शॉप पे लगाना है या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उस पर लगाना है। समझिएगा इस चीज को, पूरी शॉप का मतलब कि आपकी दुकान पे जितनी भी प्रोडक्ट है क्या सब पे आप फ्री शिपिंग लगाना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसपे आप लगाना चाहते हैं? मैंने कहा कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उस पर लगाना चाहता हूँ, एड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट लाइव होंगी वो आ जाएगी। मैंने कहा ये विंटर ट्रैक सूट है, मैं इस पर लगाना चाहता हूँ। आप कोई दो तीन प्रोडक्ट और एड करना चाह रहे हैं आप और मजीद प्रोडक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड टू प्रमोशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरी जो है फ्री शिपिंग लग गई है। मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, मेरी फ्री शिपिंग इन प्रोडक्ट के ऊपर लग जाएगी। समझ आ गई तो बोलो हाँ, वरना बोलो ना। हाँ ठीक है, अच्छा अब आ जाए नीचे सेलर वाउचर। सेलर वाउचर बहुत मजे की चीज है, हो सकता है आपने कभी दराज से शॉपिंग करते हुए वाउचर को अप्लाई भी किया हो। वाउचर क्या होता है? वाउचर दो किस्म के होते हैं, एक होता है कलेक्टेबल वाउचर और एक होता है कोड, यानी कि कोड वाउचर। अब समझिएगा करना क्या होगा। सबसे पहले वाउचर में आएंगे, ऐड न्यू वाउचर पे क्लिक करेंगे। वाउचर से आप डिस्काउंट ऑफर करते हैं बेसिकली, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप जो है वो बताएंगे कि आप कौन सा वाउचर बनाना चाह रहे हैं, आप कलेक्टेबल वाउचर बनाना चाह रहे हैं या वाउचर का कोई कोड बनाना चाह रहे हैं। वाउचर का कोड पहले समझ ले क्या होता है। मैंने कहा मैं वाउचर का कोड बनाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा Ali123 मेरा कोड है। आपका बड़ा स्टोर है, आपने किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करा, आपने कहा कि भाई एक स्टोरी लगाओ कि जो भी Ali123 कोड इस्तेमाल करेगा उसको मेरे स्टोर के ऊपर 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक हो गया। अब आपने यहां से Ali123 का कोड लगा दिया, अब आप यहां पे वाउचर का नाम लिखेंगे, मैंने कहा अली लिखा, डिस्काउंट का टाइप लिखेंगे, मनी वैल्यू वाउचर है या परसेंटेज वैल्यू वाउचर है। आप यू भी कह सकते हैं कि 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, आप यू भी कह सकते हैं कि भाई 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो आप दोनों जो है वो डिस्काउंट लगा सकते हैं। मैंने कहा परसेंटेज है, मैंने कहा 20% जो है मैं डिस्काउंट दूंगा, लेकिन मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होनी चाहिए 5000 रुपए। आप कम भी लगा सकते हैं, आप चाहे मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 10 रुपए भी रख दे, वो आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है मैक्सिमम डिस्काउंट आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने 10000 रुपए की शॉपिंग करी तो 20% कितना हो गया उसका 2000 रुपए, तो 2000 का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर और जो है मैं आपको वो नहीं दे पाऊंगा, क्लियर है यहां तक? बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि थोड़ा सा खिचड़ी ना पक जाए, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं एक साथ। कहां गए सर? हाँ आवाज चली गई थी क्योंकि मोबाइल पे कॉल आ गई थी, नेट नहीं चल रहा, मैं हॉटस्पॉट पे आपकी कॉल ले रहा हूँ। अजान हो रही है? अजान हो रही है? अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं।
ओके सो कहा कहा मिनिमम डिस्काउंट से शुरू करेंगे, कोई बात नहीं, पूरा वाउचर से शुरू कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें दो किस्म के वाउचर होते हैं, आवाज आ रही है? ओके दो किस्म के वाउचर होते हैं, एक होता है कलेक्टेबल वाउचर, दूसरा होता है वाउचर कोड। सबसे पहले आपने वाउचर पे आना है, उसके बाद आपने न्यू वाउचर पे क्लिक करना है, तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। वाउचर डिटेल्स के अंदर आप वाउचर का जो है वो टाइप सिलेक्ट करेंगे कि आप कलेक्टेबल वाउचर बनाना चाह रहे हैं या वाउचर कोड बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद वाउचर का कोड बनाएंगे, वाउचर का नाम लिखेंगे, आप यहाँ से डिस्काउंट टाइप सिलेक्ट करेंगे कि परसेंटेज वैल्यू ऑफ वाउचर देना चाह रहे हैं या मनी वैल्यू ऑफ वाउचर देना चाह रहे हैं। उसके बाद आप डिस्काउंट की वैल्यू बताएंगे कि आप कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। उसके बाद ये डिस्काउंट आप कितने पैसों पे देंगे, यानी कि कितने का मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए तो बंदा ये अवेल कर सकता है, वो लिखेंगे। उसके बाद आप मैक्सिमम डिस्काउंट लिखेंगे, मैं मैक्सिमम डिस्काउंट मैं इस पे इतना दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको डिस्काउंट इस पे नहीं दे सकता, ठीक है। उसके बाद आपने एडिशनल डिटेल के अंदर डालना है स्टार्ट और एंड डेट, यानी कि ये वाउचर की रिडीम डेट क्या है, कब से कब तक ये इस्तेमाल हो सकता है। मैं 3 दिन की सेल लगा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि ये 3 दिन के लिए हो सकता है। उसके बाद टोटल वाउचर, कितने वाउचर आप जो है कर सकते हैं, मैंने कहा कि भाई मैं दे सकता हूँ 100 वाउचर, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि एक बंदा कितने वाउचर को यूज कर सकता है, ठीक है। मैंने कहा एक बंदा 2 बार एक वाउचर को यूज करता है, तीसरी बार वो आएगा तो वाउचर को यूज नहीं कर पाएगा। अगेन सेम थिंग अप्लाई होगी कि पूरी दुकान पे वाउचर लगाना चाह रहे हो या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगाना चाह रहे हो। तो आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगाना चाह रहे हो तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से एड प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप जो है अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लोगे, इस पे आप वाउचर कोड लगाना चाह रहे हो। और अगर नहीं लगाना चाह रहे, पूरी दुकान पे लगाना चाह रहे हो, तो यहाँ से सिंपली आप जो है वो इंटायर शॉप पे क्लिक कर दोगे। वाउचर कोड और कलेक्टेबल वाउचर के अंदर ये फर्क होता है कि वाउचर कोड के अंदर कस्टमर को सिर्फ कोड डालना होता है वाउचर का चेकआउट के टाइम जो, ठीक है। चेकआउट जब करेगा कस्टमर तो वाउचर का कोड डालेगा, बता देता हूँ कैसे। मैं आता हूँ दराज के ऊपर, कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रह जाए, ठीक है। मैं कुछ भी खरीद लेता हूँ यहाँ से, लाओ भाई कुछ भी दे दो। मनी वैल्यू वाउचर बेसिकली यूज़र ये होता है कि आप पैसों का डिस्काउंट देते हो, फिक्स 500 रुपए का डिस्काउंट दूंगा भाई, 1000 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, 200 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, कोई परसेंटेज नहीं है, फिक्स डिस्काउंट है, मनी वैल्यू वाउचर है। और परसेंटेज वैल्यू वाउचर के ऊपर कस्टमर जितने रुपए की शॉपिंग करता है उस पर परसेंटेज के हिसाब से आप डिस्काउंट देते हैं, 10%, 20%, 40%, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, मैं जल्दी से ये खरीदने की कोशिश करता हूँ, बाय नाउ। चलो अच्छे, अच्छा ये देखिएगा, एक चीज आपको दिखा दूँ, ये क्या है, कौन बताएगा ये क्या लगा हुआ है? कौन बताएगा इस बंदे ने, सुपर ट्रेडर स्पीके ने क्या लगाया हुआ है? नंबर 1 वाला क्या है, सबसे पहले बताइए, ये कलेक्टेबल वाउचर है या ये नॉन कलेक्टेबल वाउचर है? मनी वैल्यू वाउचर है और कलेक्टेबल है, ठीक है मोहम्मद बिलाल, ठीक हो गया। अब कलेक्ट कैसे करते हैं, कलेक्ट पे क्लिक करूंगा कलेक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, 10,000
जी, आवाज नहीं आएगी, मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी ना, नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा था। अच्छा अब ठीक है, जल्दी से बताएं। ओके हाँ, मजे की बात बताऊं, मेरे पास मोबाइल में मैसेज आ गया था और मैं वहां रिप्लाई करने लग गया और मेरे दिमाग में नहीं कि मैं क्लास ले रहा हूँ। अभी मैं पलटा हूँ लैपटॉप की तरफ तो मुझे पता चला ये तो क्लास चल रही थी। या अल्लाह क्या होगा मेरा। खैर क्या पढ़ा रहा था मैं, कलेक्टेबल वॉचर पढ़ा रहा था। ठीक है, ये गाड़ी की सीट क्यों खुली गई स्क्रीन पे, बाइक खरीद रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तो मैं ये पढ़ा रहा था कि आपने यहाँ से जो है वॉचर, मैंने आपको दिखाई थे कि आपने ये, मैंने आपसे पूछा था कि ये कलेक्टेबल वॉचर है कि नॉन कलेक्टेबल है, तो भाई ने सही बता दिया था। उसके बाद दो ही वॉचर से बनाए हुए, जब आप वॉचर बनाएंगे तो आपके प्रोडक्ट के साथ भी यहाँ पे वॉचर शो होंगे। ठीक हो गया, तो ये ऐसे आप वॉचर बनाते हैं और ऐसे आप अप्लाई करते हैं। आप आ जाते हैं वापिस अपने टॉपिक की तरफ। यार वो असल में टॉपिक ऐसा है ना कि आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा ना तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो कुछ बीच में डालना पड़ता है, समझे आप लोग। अब मेरी उम्र इतनी तो नहीं है कि मैं आऊं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हम ये पढ़ेंगे बच्चों और आज आपने ये सीख, हंसते खेलते सीखें ताकि आपको मजा आए सीखने में और मुझे सिखाने में, ना खुद बोर हुआ करे ना मुझे बोर होने दिया करे, मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ, अपना शौक पूरा करें। ठीक हो गया। ओके सो अभी मुझे लग रहा है आप लोगों को ये वॉचर समझ में नहीं आया मुझे, सही ना, ना बोलो आज नहीं आया ना समझ, नहीं आया, देखा मैंने कहा था नहीं आया। चलो वापिस से वॉचर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अब थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है हो गया, अब थोड़ी उम्र बढ़ा लेते हैं अपनी। देखिए दो किस्म के वॉचर होते हैं, समझेगा बड़ी आराम से। एक होता है कलेक्टेबल वॉचर, जो अभी मैंने आपको दिखाया, बंदा आता है कलेक्ट पे क्लिक करता है और वॉचर को कलेक्ट कर लेता है। एक होता है वॉचर का कोड, जो चेकआउट के टाइम पे आपने कभी दराज से शॉपिंग करी है तो आपको पता चलेगा कि वहां पे आपको नीचे वॉचर कोड नजर आ रहा होता है, आप वहां पे कोड डालेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप वॉचर को कलेक्ट करके लेके जाते हैं चेकआउट के टाइम के ऊपर, वहां पे आपसे पूछता है अप्लाई वॉचर। आप जैसे अप्लाई वॉचर पे क्लिक करेंगे, अगर आपने वॉचर को अप्लाई कलेक्ट किया हुआ होगा तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब ये वॉचर हमें बनाने पड़ते हैं, खुद ब खुद नहीं बनते। तो हम पहले वॉचर में आते हैं, यहाँ से वॉचर का टाइप सिलेक्ट करते हैं, वॉचर का कोड, अगर हम कोड वाला वॉचर बना रहे हैं, सही है, कोड वाला वॉचर में आपके समझ में आ गया था। मैं आपको एक दफा कलेक्टेबल वॉचर बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, हमारे कलेक्टेबल वॉचर के ऊपर वॉचर का नाम मैंने लिखा अली, उसके बाद डिस्काउंट टाइप पे मैंने डाला ये है मनी वैल्यू वॉचर, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू वॉचर हम बना चुके हैं। उसके बाद मनी वैल्यू वॉचर के अंदर आप डाल दें कितना परसेंट, मैं कहता हूँ 200 रुपए का। ठीक है, और मिनिमम ऑर्डर मैंने कहा कम कर दो 1000 रुपए का। ठीक हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिएगा ये वॉचर पे सारी चीजें चेंज होती जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके का वॉचर बन रहा है कि भाई 200 रुपए का ऑफ मिलेगा अगर आप 1000 रुपए की शॉपिंग करेंगे 28 जुलाई से लेके 1 जुलाई तक, 28 जून से लेके 1 जुलाई तक ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट और एंड डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे कब से कब तक हमने ये लगाना है। ठीक हो गया, उसके बाद रिडीम डेट आपकी यहाँ पर आ गई। डिस्प्ले एरिया के अंदर आपने देखना है कि आपने इसको कहाँ कहाँ डिस्प्ले करना है। ठीक है, रेगुलर चैनल पे तो आपका जो है वो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया चेकआउट के टाइम पे जो है वो शो हो रहा होता है। ठीक है, ऑफलाइन का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली लिंक बनाए और लिंक के साथ वॉचर को जो है वो आप शेयर कर दे। लाइव स्ट्रीम में होता है कि आप जो है कोई लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं दराज के ऊपर, जैसे आप फेसबुक पे लाइव जाते हैं इस तरीके से आप दराज पे भी लाइव जा सकते हो, मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, तो आप डायरेक्ट लाइव में भी जा सकते हो। तो मेन यही कि आप रेगुलर पे रखें वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, टोटल वॉचर कितने देने, आपने कहा 100 वॉचर देने, आप इससे कम भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी। एक कस्टमर कितनी दफा वॉचर को इस्तेमाल कर सकता है, 2 दफा 3 दफा 5 दफा, आप पे डिपेंड करता है। वॉचर को पूरी दुकान पे अप्लाई करना है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे अप्लाई करना, आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। रिडीम ड्यूरेशन का मतलब होता है कि रिडीम ड्यूरेशन का मतलब होता है कि कब से कब तक इसको अप्लाई किया जा सकता है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, रिडीम में आप यहां से लिख देंगे वो तारीख, जिस तारीख से लेकर जिस तारीख तक ये एप्लीकेबल होगा, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, डन हो गया।
अपनी बेगम को सबसे पहले जो है ना मैं वॉशर सिखाऊंगा शादी के बाद, अगर ये समझ में आ गया तो फिर मैं समझूंगा उसको पूरा दराज समझ में आ जाए। ठीक है भाई, वॉशर समझ में आ गया, बंडल्स की तरफ चलें। ओके डन हो गया, आ जाओ भाई बंडल्स की तरफ। ये बंडल्स क्या भला होती है, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? कलेक्ट, देखिए रिडीम का मतलब है कि कब वो उसको यूज कर सकते हैं। कलेक्ट टाइम होता है कि आपकी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है, आपने कहा भाई 2 घंटे का टाइम है, मैंने वॉचर लगाया, फटाफट जाके कलेक्ट कर लो। एक बंदा 2 से ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकता, तो बंदे आगे कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोई रिडीम करने के आपने 3 दिन रख दिए, भाई 2 घंटे कलेक्ट के 3 दिन रिडीम के। आप चाहें 3 दिन कलेक्ट के 3 दिन रिडीम के रख सकते हैं, कोई मस्त वाली बात नहीं। आपने वो स्टार्ट टाइम रखना होता है कब से बंदा कलेक्ट करना शुरू कर सकता है। बंडल्स क्या होते हैं भाई? बंडल्स होते हैं जैसे बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, मैं यहां पर आऊंगा, एड न्यू बंडल पे क्लिक करूंगा, यहां से प्रमोशन की टाइप सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कितने बंडल है, क्वांटिटी का बंडल है, बाय वन गेट वन का बंडल है, आप फ्री गिफ्ट का बंडल है और कॉम्बो का बंडल है। क्वांटिटी मैंने लिखा यहाँ पर प्रमोशन का नाम फिर अली लिख देता हूँ, प्रमोशन की टाइम कब से कब तक है, अगेन ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। उसके बाद SKU भी हम नहीं लगा रहे। डिस्काउंट टाइप के अंदर वही परसेंटेज डिस्काउंट देना चाह रहे हैं कि आप मनी वैल्यू जो है वो डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि आप 10 पीस खरीदो तो मैं आपको कितना परसेंट ऑफ दूंगा, 5%। चलो 5%, यानी कि अब क्या मैंने बंडल बनाया कि अगर आप मेरी प्रोडक्ट के 10 पीस खरीदोगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से, ये कितनी रॉकेट साइंस तो नहीं है। ठीक हो गया, दूसरा क्या है? दूसरा है बाय वन गेट वन फ्री, बिल्कुल सिंपल है, एक खरीदो एक फ्री। स्टार्ट और एंडेड मैंने सिलेक्ट करी और यहां से मैंने प्रोडक्ट को ऐड कर दिया कि भाई कौन सी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है। तो मैं यहाँ से अपनी जो मेरी लाइव प्रोडक्ट होंगी वो आ रही होंगी, मैं कोई सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा जिससे मुझे बाय वन गेट वन देना, तो उसके ऊपर बाय वन गेट वन फ्री लग जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल। उसके बाद है फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट का मतलब ये है कि मेरी ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसके साथ में कोई ना कोई फ्री गिफ्ट आपको दूंगा। फ्री गिफ्ट भी आप यहाँ से डाल सकते हो कि मैं आपको उसके साथ क्या फ्री गिफ्ट दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके 1000 रुपए की कोई ट्रैक सूट है, आपने उसके साथ की चेन फ्री गिफ्ट लगा दी, भाई खरीदोगे तो मैं आपको की चेन। अच्छा, ये पाकिस्तानी कौम है, मैं आपको ये बता दूं, ये वो पाकिस्तानी कौम है, अगर इसको कहीं पर आलू 40 रुपए किलो मिल रहे और दूसरे ठेले वाला 38 रुपए किलो दे रहा है तो ये 38 वाले से लेगा, ये 40 वाले से नहीं लेगा, बोलेगा नहीं लेना, मैंने 2 रुपए बच रहे हैं मेरे। तो ये बचाते हैं पैसे, ये 1-2 रुपए भी बचाते हैं कुछ भी हो जाए। तो आप ये ना सोचे कि मैं 2000 रुपए की प्रोडक्ट के साथ 10 रुपए की कीचेन दे रहा हूँ तो कौन खरीदेगा। आप भी ट्रैक सूट बेच रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर भी ट्रैक सूट बेच रहा है, आप दोनों की सेम क्वालिटी है, सेम प्राइस है, लेकिन अगर उसके साथ कोई चीज फ्री है, चाहे वो कोई कीचेन हो, चाहे वो कोई नेल पेंट हो, कुछ भी हो, वो बंदा फ्री वाले पर ही आएगा, बोलेगा पैसे उतने ही देने, एक चीज तो फ्री मिल रही है ना। तो आप फ्री आइटम लाजमी लगाइएगा। मैं आपको जब मार्केट विजिट करवाऊंगा आपको मैं ऐसी चीजें दिखाऊंगा 5-5 रुपए में, 7-7 रुपए में आपको जो वो चीजें मिलेंगी वो आप अपने हर प्रोडक्ट के साथ फ्री में लगा दीजिएगा। ठीक है, इससे आपकी सेल्स बढ़ेगी। हुसैन जी बिल्कुल, नमाज पढ़ने जाए हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जो है नमाज के बाद आने के बाद ना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी कुछ खास अब बचा नहीं है, खत्म पर है हम। ठीक हो गया भाई, तीनों चीजें समझ में आ गई आपके। कॉम्बो का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कॉम्बो तो बता दो, गरीबों कुछ तो पता होगा। चले, कॉम्बो मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, कॉम्बो मैं नहीं पढ़ा रहा, कॉम्बो आपने खुद रिसर्च करके मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है कि भाई ये कॉम्बो क्या होता है। ठीक हो गया, आप लोगों ने अपनी 1 मिनट की वीडियो बना के ग्रुप में डालनी है और उसमें मुझे बताना है कॉम्बो क्या होता है। जो लड़कियां हैं वो चाहे तो वीडियो ना बनाए, अपना वॉइस मैसेज कर दें, अगर कोई ऐसी पर्दे वाली लड़की जो वॉइस मैसेज भी नहीं कर सकती तो वो लिख कर बता दे। ठीक हो गया, तीनों ऑप्शन मौजूद है, लिख कर भी बता सकते हैं, वॉइस में भी बता सकते हैं और वीडियो बना के बता सकते हैं। और कोई ऐसी लड़की है जो ग्रुप में मैसेज भी नहीं करना चाहिए तो मुझे पर्सनल मैसेज करके लिखकर बता दे, और अगर जब भी नहीं तो फिर ना बताए, कोई मसले वाली बात नहीं है।
अच्छा उसके बाद आते हैं सेलर पिक्स। सेलर पिक समझिएगा, अभी ना बताए, अभी मैं पूछ ही नहीं रहा, सेलर पिक पर आ जाते। सेलर पिक बड़ी मजे की चीज है भाई। सेलर पिक क्या होता है, दराज आपको ऑप्शन देता है कि अपनी कोई दो प्रोडक्ट मुझे बताओ जो तुम समझते हो कि भाई ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, मैं उसको प्रमोट करूंगा दराज के फर्स्ट पेज पे, लास्ट लाइन के अंदर वो प्रोडक्ट आपके शो होंगे। लेकिन हर बंदा इसके लिए एलिजिबल नहीं होता। इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होता है ये समझिएगा, आपकी सेलर रेटिंग कम से कम 60% से ज्यादा होनी चाहिए, आपके स्टोर पे 3 से ज्यादा प्रोडक्ट लाइव होनी चाहिए, आपने पिछले 7 दिनों के अंदर कम से कम 1 कैंपेन ज्वाइन की हो, और आपका इंस्टेंट मैसेजिंग रिस्पॉन्स जो है वो कम से कम 80% से ज्यादा होना चाहिए, तो आप सेलर पिक को अवेल कर सकते हैं। ठीक हो गया, सर में दर्द हो गया है। उसके बाद जो है आपको मिलता है एड सॉल्यूशन, बड़े कमाल की चीज है, आप दराज पे एड लगा सकते हैं, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। मेरा नेट इश्यू हो रहा है, क्या बातें कर रहे हो आप लोग, मैं तो यहाँ अपनी बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। क्यों डराते हो मुझे, चला जाऊंगा मैं किसी दिन छोड़ के ये पाकिस्तान। इस क्लास के बाद मैं आप सबको दुबई लेके जाऊंगा, ठीक है, ईद के बाद, ईद के बाद आप सब मेरे साथ दुबई चलेंगे, आप सब आएंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप सब मेरे साथ जो है वो दुबई चलेंगे, एक दिन आएंगे, मैं बिल्कुल तैयार व्यार होकर आना है सबने, और मैं आपको इंशाल्लाह 3 दिन पहले बता दूंगा, और नहीं पासपोर्ट नहीं चाहिए, आप आएंगे, हम जूम पे लाइव आएंगे, मैं स्क्रीन शेयर करवाऊंगा, मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे आपको पूरा दुबई घुमाऊंगा, ठीक है, और गूगल मैप पे भी घुमाऊंगा 3D के अंदर, आपको पता चलेगा दुबई कैसा, ठीक है, डन है। खुश रहे, सबको सबको दुबई घुमाऊंगा, फिक्र ना करें, मेरे को पता है मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, आप लोग मजाक समझ रहे इस बात को, आप लोग चले, मैं आप सबको ना एक टारगेट देता हूँ, आप सबको मैं एक टारगेट देता हूँ, आपको जिंदगी में जिस मुल्क जाने का शौक है, आपको हज करने का शौक है, उमरा करने का शौक है, सऊदी जाने का शौक है, दुबई जाने का शौक है, बैंकॉक जाना है, थाईलैंड जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, जहां भी आपने जाना है ना, आज से आप वो मुल्क वर्चुअली घूमना शुरू करें, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आप वो मुल्क वर्चुअली घूमना शुरू करें। वर्चुअली घूमेंगे ना कैसे, आप यूट्यूब पर आए, आप यूट्यूब पर आके फॉर एग्जाम्पल लिखें मिनी दुबई व्लॉग, दुबई का व्लॉग देखें, दुबई का टूर करें, उसके बाद आए आप गूगल मैप के ऊपर, ठीक है, आपको नहीं पता, शायद बहुत सारे लोगों को ये बात ना पता हो कि आप बकायदा गलियां घूम सकते हैं गूगल मैप के अंदर, गलियां चल चल के, ऐसे कौन सी गाड़ी खड़ी हुई, क्या हो रहा है इस गली में, क्या उस गली में क्या है, बिल्कुल डिटेल के अंदर आप जो है वो चीज लोगों को घूम सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, अब मैं तकरीबन पूरी दुनिया घुमा हूं, अगर मैं कभी अमेरिका नहीं गया, लेकिन अगर आप मेरे साथ बैठ के कोई अमेरिका की बातें करें ना, और मैं उसको वहां की जगह बताना शुरू करूं, रास्ते बताना शुरू करूं, तो उस बेचारे को लगेगा पता मैं कितनी दफा अमेरिका से होकर आ गया, ठीक है। सो ऐसा आपको मजा आता है कि आप जहां जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको नॉलेज मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब मैं पूरा पाकिस्तान नहीं घूमा था तो मैं पूरा पाकिस्तान वर्चुअली घूमता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं जो मेरे ना देखो, मल्टीपल 8-10 दफा जा चुका हूँ और हर कोने पे गया। सो गूगल मैप पर यहाँ से दुबई सेलेक्ट करें, यहाँ से मैप की जो टाइप है इसको आप 3D कर लें और आप मैप घूमना शुरू कर दें, अपने मोबाइल में घूमना शुरू कर दें, ठीक है, तो आपको बड़ा मजा आएगा। ये मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से सैटेलाइट, क्या क्या सिखाने लग जाता हूँ, स्ट्रीट व्यू, दुबई चले गया, कहाँ जाना है बताओ मुझे, दुबई चलते हैं, मजा नहीं आ रहा मुझे, लग गया वीजा दुबई का, 2016 में मैंने दुबई दुबई बोल रहा हूँ दराज स्टार्ट किया था, क्या कहते हैं बुर्ज खलीफा, आपको पता है यहाँ से आप ना अमेरिका के क्लाइंट्स भी टारगेट करते हैं, जब अपना इंटरनेशनल कोर्स करवाता हूँ तो मैं यहाँ से वो चीजें पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है,
देखें अब ये देखिएगा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, अब मैं आ गया बुर्ज खलीफा में, अब ये देखिएगा मैं बुर्ज खलीफा में पैदल चल रहा हूँ, स्क्रीन आ रही है ना, ये देखें डबल क्लिक करा आगे बढ़ गया, इधर देख रहे हैं इधर क्या है भाई, इधर समंदर है, अच्छा दिखाओ, वाह सुभान अल्लाह। अब ये देखिएगा, अब ये देखें, अब मैं जरा एक काम करता हूँ, ये सीढ़ियाँ किधर जा रही है भाई, अच्छा बड़ा मजा आता है वैसे घूमने में, मुझे नहीं पता आप लोगों को आएगा नहीं आएगा, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है ये देख रहे, आओ कभी रियल में जाएंगे तो आपको पता होगा ये सीढ़ियां कहाँ जा रही है समझ रहे हैं, यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम मोहम्मद बिलाल। समझ गए ना, इस तरीके से अमेरिका घूमो, इस तरीके से जापान घूमो, जो दिल करता है घूमो यार, उसके ब्लॉग देखो, जिंदगी को एंजॉय करो, जा नहीं सकते तो क्या हुआ, देख तो सकते हैं, वो कहते हैं ना हाथ तो आया मुंह ना लगा, इंशाल्लाह देखना शुरू करेंगे तो जाएंगे भी, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके पत्नी कहाँ की बात कहाँ ले गया, कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, पंडस पढ़ लिया, सेलर पिक भी पढ़ लिया ना, कहाँ चले जाते हैं आप लोग, नहीं आ रहे। हाँ हाँ भाई अमेरिका से तो मैं चल रहा हूँ, ये दराज से थोड़ी चलता हूँ मैं, दराज तो अभी पढ़ाना शुरू करा मैंने, दराज से मैं ज्यादा नहीं कमाता, टेंशन नहीं ले, मेन काम अमेरिका में ही है, आपको अभी दिखा रहा हूँ अमेरिका में भी क्या करता हूँ, टेंशन नहीं ले ज्यादा, सब बता दूंगा मैं आपको, ये ले मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ यार, ये मेरी ये कंपनी है, वो बता नहीं देना किसी को, पाकिस्तान का ट्रैफिक नहीं चाहिए मुझे, पता चला जाके इसको जो है ना पाकिस्तान का ट्रैफिक डालना शुरू कर दो मेरी वेबसाइट के ऊपर, ये है ह्यूस्टन डिजिटाइज, ह्यूस्टन बेसिकली एक स्टेट है अमेरिका के अंदर, ये मेरा अमेरिका का ऑफिस है, एड्रेस है, कभी आप जाए तो जरूर विजिट कीजिएगा, ये मेरा अमेरिका का नंबर है, कॉल मत कीजिएगा मैं उठाऊंगा क्योंकि, और बेसिकली ये कस्टम बैजेस हैं, डिजिटाइजिंग वेक्टराइजेशन की सर्विसेज है जो मैं अमेरिका में ऑफर करता हूँ, बस यही छोटी सी चीज है, और कुछ है ही नहीं जिंदगी के अंदर। ये काम होता है अमेरिका के, तो इससे ज्यादा कोई काम नहीं है मेरा, चले आज दराज पे वापस आ जाए, अभी अमेरिका नहीं जाते, अमेरिका जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, दराज वापस आ जाते, दराज 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 भूल ही जाता हूँ क्या पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग बातें बहुत करते हैं, और मजे की बात देखिए आप में से कोई बोल भी नहीं रहा, मैं आपसे मैसेज पे इतनी बातें कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर क्या होगा मेरी बेगम का, चलो भाई अच्छा हम आ गए थे, अरे बहुत मैं तो बहुत, अबे यार मैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा था, ऐड लगाना सिखा रहा था, आपने मुझे दुबई और अमेरिका भेज दिया, हम दराज पे ऐड बाबे 1 2 वो लास्ट में अनम शेख बैठी में जी, इधर देखें पेंसिल से मत खेले, चले स्कूल मैसेज करते ना, चलो फोकस शाबाश, वापिस से आएंगे दराज के ऊपर, हम दराज के ऊपर कोई अनम है तो नहीं ना क्लास के अंदर, मैं कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल दो तो वो नाम लू जो क्लास में ना हो, लेकिन कभी कभार गड़बड़ भी हो जाती है, सो अभी मेरी तस्वीर आ रही होती ना आपको और मजा आ रहा होता, लेकिन अभी खैर छोड़े आ जाओ, हम दराज पे ऐड भी लगा सकते हैं, दराज पे ऐड लगाने का फायदा क्या होता है, दराज पे यार कुछ भी नहीं बोला करो, लड़कियां बोलती हैं कुछ भी, ये लड़कियों को जब व्हाट्सएप पे मैसेज करते ना आप लोग, मुझे ना अपने आप से अलग मत समझा करो, मुझे ये मिलियनर बिलियनर नहीं समझा करो, मुझे मैं आप में से हूँ, मैं भी एक कोरंगी का लड़का था किसी जमाने में, ठीक है ना, सो मुझे सब पता है, आप लोग जो कर रहे हो तो पापा की परियों को मैसेज, तो वो बोलते कुछ भी आप खुश हो जाते हो, ये टाइम जाया है वल्लाही, ये टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना, बेकार हो जाकर बताओ क्या होगा, मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, 3 साल आपकी सेटिंग चलेगी, 3 साल सेटिंग करने के बाद उसके खानदान से कनाडा का किसी डॉक्टर के ताला के ताला का नहीं ताया के खाला के मामों के फूफो के चाचा के बेटे का रिश्ता आएगा, वो कनाडा में डॉक्टर होगा, वो चले जाएगी बोलेगी साजिद तुम मेरे से बेहतर डिजर्व करते हो, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं, बस खत्म आपकी कहानी, छुट्टी, आपने 3 साल बर्बाद कर दी आपने, टाटा बाय बाय, अब्बा नहीं मानेंगे, अरे कोई भी नहीं मानेगा, वो खुद नहीं मानेगी, अब्बा कहां से मानेंगे अब्बा तो छोड़ दो, वो खुद भी नहीं मानेगी, सही बताऊं जितनी भी साल की मोहब्बत हो, जितने भी साल का प्यार हो, जब आगे से ऑफर बहुत अच्छी आ रही होती है ना, बंदा मना नहीं कर पाता, बंदा बोलता है छोड़ यार क्या करना, दफा कर, पूरी जिंदगी के मामले आते हैं ये, तो
मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, जब जेब में पैसा नहीं होता ना तो मोहब्बत खिड़की दरवाजे से भाग जाती है, फिर लड़ाइयाँ और फटे फसाद शुरू होते हैं। तो पहले पैसे का मामला दबा के, मैं गारंटी दे रहा हूँ जिस लड़की पे हाथ रखोगे वो लड़की मिल जाएगी, सब पैसों का गेम है। मैंने किसी पॉडकास्ट में अपने बोला था कि अगर मुंह पे आपके पीप वाले दाने निकले हुए हो ना और आप मर्सिडीज से उतर के आओ तो पापा की परी आपको हाँ आए ना नहीं बोलती है। अगर आप लंगड़ा के चलते हो ना, लंगड़ा के चलते हो तो लड़की का बाप बोलेगा अमीर लोग चलते ही ऐसे, अमीर लोगों का स्टाइल होता है लंगड़ा के चलते भाई, समझ गए ना। तो पैसों पे फोकस करना है, 20 साल से लेके 30 साल तक अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपके अकाउंट में 20-25 करोड़ हो, वाह टेंशन ही कोई नहीं है, निकलने दो दाने जिसम फैल रहा है फैलने दो, एक्सरसाइज का टाइम मिल नहीं मिलना मत करो, पैसे कमाओ बस, बाकी बातें बाद में करेंगे ठीक है। आ जाओ भाई एड लगाना सीखते दराज, बहुत फालतू बातें हो गई। एड लगाने के लिए क्या करना है, एड सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे, एड सॉल्यूशन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं बोलेगा, आप लोग बातों से बातें निकलवाते हैं और मुझे निकाल ले जाते हैं ठीक है। एड सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे, वैसे इस ग्रुप में से पीसी होटल कौन कौन आया था ये ना बोलना, कोई भी नहीं आया था, कोई आया था कॉन्फ्रेंस में, अहमद कपाड़िया या तो लाहौर से आ जाते, कौन सी लाहौर, ये दो का नाम पे लाहौर रखा हुआ है, बैठो जहाज में एक घंटे में कराची, अभी रोना मचाए हुआ लाहौर। चलो भाई एक तो आया था ना, मुझे तसल्ली तो हो गई कोई तो आया था, वैसे वहां बैठने की भी जगह नहीं थी, अच्छा हुआ नहीं आए, बाहर से वापस जाते, जो लोग 12 बजे आ गए थे वो इन हो गए थे, बाकी सब बाहर थे। कपाड़िया साहब आपने सुनी थी, बाकी आप सभी मेरी सोर, मुझे 9:30 बजे अपनी स्पीच लाइव करनी थी, मैंने सोचा था 9:30 बजे मैं क्लास खत्म कर दूंगा, भागो यहाँ से जल्दी क्लास रो फटाफट, टाइम जाया करा रहा हूँ, बस बस बाकी बाद में देखेंगे। अभी मैं अपनी फेसबुक पे अपनी पूरी स्पीच डालने वाला हूँ, जैसी क्लास खत्म होगी ग्रुप में लिंक भी डाल दूंगा, जाके देख रहा हूँ, सब कमेंट भी कर देना चाहते। मैंने पहले मैं ना ग्रुप्स के अंदर यूट्यूब का लिंक डालता था तो लोग मुझे बोलते थे हाँ सर अपने डॉलर बना रहे हमसे ऐड आएंगे आपको पैसे मिलेंगे, मैंने यूट्यूब का लिंक डालना छोड़ दिया, मैंने कहा जाओ भाई फेसबुक पे जाके देख लो, वहां मेरे ऐड नहीं लगते, वहां मैं कुछ नहीं कमा रहा। डिस्कशन कब होगी हमारी, डिस्कशन ये हो तो रही है, और कौन सी डिस्कशन चाह रहे हो, घर आ जाऊं डिस्कशन के लिए, फिजिकल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, मैं मीटअप रखूंगा ईद के बाद ठीक है। आप सबकी वॉइस मैंने ऑन कर दी ना, आप लोगों ने एक बचा देना ठीक है ना, इंशाल्लाह मीटअप रखेंगे ईद के बाद ठीक है, ईद के बाद इंशाल्लाह कहीं ना कहीं मैं आपका मीटअप डन करवा दूंगा, हो सकता है सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में मीटअप रखूं तो आप सब आइएगा इंशाल्लाह, डिटेल में डिस्कस करेंगे चीजों को। अब ऐड लगाना सीख ले अगर आपकी इजाजत हो तो, वो कहते हैं कि आंख के पास मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, मेरा कमरा कब से वीरान पड़ा है, सोच रहा हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। चलो इधर आ जाओ, सबसे पहले आप एड कैंपेन पे क्लिक करेंगे, अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, एड कैंपेन पे क्लिक करेंगे, एड कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे। अरे बस ज्यादा वाह वाह मत करो, एड लगाना सीख लो, मुझे तो लग रहा है ये फालतू बातों के अंदर जो मैंने पहले पढ़ाया है ना वो सब भूल गए आप लोग, सवाल जवाब करूं होना सबर करो। ओके सो कैंपेन में क्या होता है कि हम एड लगा सकते हैं, एड लगाने से मतलब फेसबुक वाले एड नहीं है, इससे होता यह कि हम किसी कीवर्ड के थ्रू अपनी प्रोडक्ट के एड लगाते हैं और जब तक हमारा एड लगा हुआ होता है हमारी प्रोडक्ट की रैंकिंग बेहतर हो जाती है, हमारी प्रोडक्ट दराज के फर्स्ट सेकंड पेज के ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। ये करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जो भी आने वाला है। अच्छा बाय द वे रिकॉर्डिंग जब मैं डालू ना, रिकॉर्डिंग आप लोग फौरन डाउनलोड कर लिया करें, रिकॉर्डिंग कभी भी गायब हो जाएगी क्लाउड में से, फिर मुझे ना बोलिएगा ठीक है, तो रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लिया करें। अच्छा यहाँ पे आप अपने ऐड का नाम लिखेंगे, यहाँ से आपने वो स्टार्ट डेट सिलेक्ट करनी है कि आपने ऐड कब से लगाने, मैंने कहा भाई मैंने 30 तारीख से लगाने, ठीक हो गया, एंड डेट सिलेक्ट करेंगे ठीक है, अगर नो एंड डेट पर कर देंगे रोज पैसे कटते रहेंगे। आप दराज के ऊपर पर डे 1000 रुपए से कम का एड नहीं लगा सकते, दराज अलाउ नहीं करता, मैंने देखे 3 दिन का लगाया तो ये मेरे से 3000 रुपए मांग रहा है, अगर मैं इसको 1000 रुपए से कम करूंगा पर डे तो ये मेरे को बोलेगा नहीं भाई पर डे 1000 रुपए दो, तो मैं पर डे 1000 रुपए दूंगा, लेकिन अपने यहाँ पर आपने एड लगाने नहीं है ठीक है, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, आपको शायद पता होना चाहिए बस। यहाँ से 25 प्रोडक्ट सिलेक्ट हुई है, मैं चाहूँ तो उसको चेंज करके कम या ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक हो गया,
हर रोज 1,000 रुपए कटेंगे, ठीक है। मैंने कहा मैं इस बल्ब पे नहीं लगाना चाह रहा, दो ड्राफ्ट पे भी नहीं लगाना चाह रहा, और मैं इसको यहां से कंफर्म कर दूंगा। अच्छा, ये पैसे कहाँ से कटेंगे? आपके जब ऑर्डर आ जाएंगे ना, तो आपके टोटल अमाउंट में से ये पैसे कट जाएंगे ऐड के, और यहाँ से आप क्रिएट कैंपेन पर क्लिक कर देंगे, आपकी कैंपेन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ऐड लगाना आ गए सबको? आवाज आ रही? हेलो, माइक चेक, 1 2 3 4। नहीं आए? ओ भाई, ऐड नहीं लगाना, लगा मत देना भाई, क्या कर रहे हो, दराज का स्टोर बेकार हो जाएगा। ठीक है, ऐड लगाना आ गया सब। जिसको ना है मेरे से अगली क्लास में पूछना, फिर से बता दूंगा, मैं लेट हो रहा हूँ, नहीं आपका मैं जल्दी। आप लोग ने फालतू बातें ज्यादा करवाई ना, दुबई अमेरिका नहीं जाते तो क्लास कब की खत्म हो जाती। सेलर एडवाइजर बहुत कुछ आराम से समझो, बहुत काम की चीज है। सेलर एडवाइजर के अंदर आपको तीन चीजें मिलती है, आपके अकाउंट की हेल्थ पता चलती है, बिजनेस एडवाइजर, प्रोडक्ट एडवाइजर। अकाउंट की हेल्थ में आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट की हेल्थ कितनी है। हेल्थ को उर्दू में क्या बोलते हैं? तंदुरुस्ती नहीं, सेहत है ना। हाँ, सेहत। सो आपके अकाउंट की सेहत खराब तो नहीं हो रही है, परसेंटेज के हिसाब से बताता है। अगर आप ऑर्डर टाइम पे नहीं निकाल रहे, मैसेजेस के रिप्लाई टाइम पे नहीं दे रहे, तो आपकी अकाउंट की हेल्थ पे, सेहत पे जो है वो फर्क पड़ता है। उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट एडवाइजर और बिजनेस एडवाइजर। पहले बिजनेस एडवाइजर को देख लेते हैं क्या होता है। बिजनेस एडवाइजर के अंदर आपको सारी चीजें पता चलती है अपने बिजनेस से रिलेटेड। आपके स्टोर पे कितने लोग आए, कितने लोगों ने खरीदा, कितने का खरीदा, कितने ने एड टू कार्ट करा, ये सारी चीजें आपको बिजनेस एडवाइजर के डैशबोर्ड के अंदर पता चल रही होती है। ये देखिएगा, ठीक है, ये थोड़ा अब आपको लग रहा होगा कि अब आप जो है वो बिजनेस मैन बन गए। इस तरीके के चार्ट जब आप खोल के बैठे होंगे ना किसी के सामने, और कोई खाला आ जाएंगी पीछे से, वो लगे वाह यार, ये तो बिजनेस मैन है पक्का, ये ऐसे चार्ट देखने बंदा बिजनेस मैन लगता है। ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू पता चल रहा है, विजिटर्स पता चल रहे हैं कि आपके दराज पे कितने विजिटर्स आए, कन्वर्जन रेट पता चल रहा है कि कितने आए उनमें से कितनों ने खरीदा, रेवेन्यू पर बायर आपको पता चल रहा है कि एक बायर से आपको कितना जो है वो रेवेन्यू आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको पेज व्यूज पता चल रहे हैं, उसके बाद बायर्स कितने आए, ऑर्डर्स कितने आए, आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितने हैं, आपने कितने पीसेस बेचे, आपका जो है वो एवरेज बास्केट साइज क्या है, आपके विजिटर्स की वैल्यू क्या है, एड टू कार्ट यानी कि कितने लोग आए, कार्ट मतलब ट्रॉली, आप इम्तियाज जाते हैं और सारा सामान उठा के ट्रॉली में डालते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि आप एंड में कुछ सामान नहीं लेते, आप ट्रॉली में ही छोड़ देते हैं, ठीक हो गया, या जहां से उठाए वहीं रख देते हैं। तो जरूरी नहीं है जो बंदा कार्ट करेगा वो खरीदेगा भी, ठीक है। एड टू कार्ट का मतलब होता है कि बंदे ने उठा के सामान ट्रॉली में तो रख लिया लेकिन अभी खरीदा नहीं है, ठीक है। एड टू कार्ट यूनिट कितने, विशलिस्ट कोई प्रोडक्ट आपकी खत्म हो गई है, वो आपके विजिटर्स कितने आए, तो आप ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल रही होती है। स्टॉक के पता चल रही है, सेलिंग प्रोडक्ट की परसेंटेज पता चल रही होती है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पता चल रही होती है। जितने ज्यादा आपकी सेल्स होगी, जितना डिटेल पे होगा, तो आपको ये उतनी डिटेल के अंदर सारा डेटा जो है वो फराम यहाँ पे करना होगा। उसके बाद इससे भी इम्पोर्टेंट चीज है, वो है बिजनेस एडवाइजर और प्रोडक्ट एडवाइजर। प्रोडक्ट एडवाइजर क्या होता है? आपने कोई प्रोडक्ट अपलोड कर दी, अब आपने सही करी कि गलत करी, अब आपका कोई दराज का प्रोफेशनल बंदा ढूंढेंगे क्या, बताया मैंने सही अपलोड करी है या गलत अपलोड करी है, मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। इसके लिए आपको कोई बंदा नहीं चाहिए, दराज का AI सिस्टम आपको खुद बता देगा कि आपने क्या गलती करी है और आपको उसमें क्या चीजें मजीद बेहतर करने की जो है वो जरूरत है। तो आपको इसके लिए अपने प्रोडक्ट एडवाइजर पे क्लिक करना है, आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, ठीक हो गया। क्योंकि ये मेरा डेमो अकाउंट है, यहाँ पे उस तरीके से डिटेल शो नहीं होंगी जिस तरीके से आपके पास होनी चाहिए। आपके पास ज्यादा डिटेल्स आएगी जब आप इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक हो गया। सो यहाँ से आपको जो है वो प्रोडक्ट का स्कोर पता चलेगा जो आपने अपलोड की भी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपलोड पता चलेगा और स्कोर पता चलेगा, और यहाँ पे आपको वो कुछ ना कुछ चीजें बताएगा जो आपने सही अपलोड नहीं करी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई डिटेल नाम लिखना होगा, यहाँ पे आपको बता देगा, वन बता देगा, आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर ले जाएगा, वहां से आप उसके अंदर जो है वो चेंजेस कर पाएंगे। आपने किसी की डिस्क्रिप्शन सही नहीं लिखी होगी, किसी की जो है वो बैकग्राउंड सही नहीं लगाया होगा, किसी की जो है वीडियो जो है वो मिसिंग होगी, वो सारी चीजें आप जो है यहाँ से देख पाएंगे। आपको दराज का सिस्टम बता रहा होगा कि आप इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको सारी चीजें ऊपर देखने पता चल रही होंगी,
और आप उसको बढ़े, लेकिन जिस तरीके से मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, अगर आप उस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी तरीके से अपलोड होगी। लेकिन आपने प्रोडक्ट के लाइव होने के बाद यहाँ पे आके चेक लाजमी करना है कि भाई मेरी जो प्रोडक्ट थी वो सही अपलोड हुई भी कि नहीं हुई भी, दराज का स्कोर मुझे क्या बता रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी सारी चीजों को मैनेज करेंगे। देखें लोगों के दराज पे ऑर्डर इसलिए नहीं आते क्योंकि वो दराज पे स्टोर बना के भूल जाते हैं, प्रोडक्ट अपलोड करते हैं और ऑर्डर का इंतजार करते हैं, चीजों को अप्लाई नहीं करते, वो प्रमोशन नहीं लगाते, वो फ्री शिपिंग नहीं लगाते, वो बंडल नहीं लगाते, वो वाउचर नहीं लगाते, वो सेलर पिक को अप्लाई नहीं करते, वो कैंपेन्स को ज्वाइन नहीं करते, वो एड नहीं लगाते। बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं जिसकी वजह से आप जो है वो अपने ऑर्डर्स नहीं ला पाते। दराज को प्रोफेशनल तरीके से करोगे तो काम होगा, हवा में करोगे तो काम नहीं होगा, ठीक हो गया। नीचे फाइनेंस आ जाता है। फाइनेंस के अंदर आपको आपके अकाउंट की स्टेटमेंट मिलेगी, ऑर्डर का ओवरव्यू मिलेगा, ट्रांजेक्शन ओवरव्यू मिलेगा कि भाई अच्छा दराज आपको बताता है कि किस तारीख को कितने पैसे आपके अकाउंट में आने, ठीक है। यूजुअली हर थर्सडे को आते हैं तो बता रहा होगा भाई कमिंग थर्सडे फमिया के अकाउंट के अंदर 440 रुपए 4:40 पर आएंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरी डिटेल आपको फाइनेंस के अंदर नजर आ रही होती है। नीचे आपको जो है वो फमिया मतलब एक नाम है, मुझे नहीं पता कौन है, इस क्लास में तो नहीं है कम से कम। कैसी रही आपकी नमाज? मैंने सबको उलझा के रखा अमेरिका और दुबई के अंदर, जब तक आप नहीं आएंगे क्लास ही शुरू नहीं करेंगे। देखें सेलर एडवाइजर पे आपने छोड़ा था, उसके नीचे फाइनेंस है, अभी अभी हमने फाइनेंस पढ़ा, खुश रहे आप, ठीक है भाई। सेलर सपोर्ट के अंदर आप आ जाते हैं। वैसे आपको बता दूं यहाँ पे हमें फाइनेंस के अंदर फाइनेंस पता चलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेलर सपोर्ट के अंदर। सेलर सपोर्ट के अंदर सबसे पहले आपको मिलती है दराज यूनिवर्सिटी, जो बहुत ही काम की चीज है। आपको दराज की कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, आपको दराज की कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, आप YouTube से मत पूछे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, YouTube पे मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, कोई और वीडियो बना के डाल रहा है, वो कितनी ऑथेंटिक है इस बात का आपको आइडिया नहीं। लेकिन अगर आप वही चीज दराज यूनिवर्सिटी से पूछेंगे तो 100% गारंटी है कि वो चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि वो दराज के ऑफिशियल्स ने खुद बना के डाली है। वो आप यहाँ पे कीवर्ड्स जो है वो सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो शिपिंग का मसला है, शिपिंग चार्जेस आपके समझ में नहीं आते, तो आप यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे शिपिंग, तो शिपिंग से रिलेटेड जितना भी कंटेंट दराज ने बनाया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई पहले बताओ तो, आपसे कोर्स ही नहीं करते, सब यहाँ से सीख लेते, ऐसा ही है। इतनी डिटेल में भी नहीं बताता, दुबई अमेरिका वाला भी नहीं बताता ये तुम्हें, वो मैंने बताया, ठीक है। अब आप ये देखें शिपिंग से रिलेटेड जितना भी कॉन्टेंट दराज का बना हुआ है वो यहाँ पर आ गया। आप अपना देखें कि आपने क्या चीज देखते हो, उस हिसाब से आप कंटेंट को देंगे। आप कोई भी नई अपडेट आई है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ प्रोडक्ट एडवाइजर, मेरी समझ में नहीं आया, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट एडवाइजर और देखो मैं स्पेलिंग गलत लिखती, वैसे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर मैं जो गलती कर दूं स्पेलिंग में तो मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है। सो इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एडवाइजर पे क्लिक करेंगे और आपको प्रोडक्ट एडवाइजर से लेके पूरी डिटेल यहाँ पर मिले, वो कह रहे नो प्रॉब्लम, वो आगे मैं जाहिल मान लिया फौरन, मतलब बंदा बोल देगा नहीं नहीं सर, अरे अरे नहीं सर आप इतने माशाल्लाह यार नहीं, ऐसा तो ना बोले, नहीं बोल नो प्रॉब्लम, मसला कोई तेरा तो जाहिल कोई मसला नहीं है। वाह भाई वाह, क्या बच्चे मिले मुझे यार, अल्लाह हनी, मतलब थोड़ा ख्याल रख लेता इज्जत का यार, नहीं बस छोड़ो यार मैं नहीं खेल रहा आप लोगों से, ठीक है। तो दराज से रिलेटेड जितना भी आपको कंटेंट चाहिए आपको दराज यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। जो भी चीज आपकी समझ में ना आए दराज पे कोई भी जो है वो नई अपडेट आती है तो आप वो YouTube से ना सीखिएगा, दराज यूनिवर्सिटी से सीखिएगा, यहां से आपको ऑथेंटिक डिटेल मिलेगी सारी, ठीक हो गया। उसके बाद हेल्थ सेंटर दराज की टीम से रब्ता करना, यहां से कर सकते हैं अकाउंट कॉन्टेक्ट अस के अंदर, जो आप दराज की टीम से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत अहम चीज बताने वाला हूँ वो है अकाउंटेंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग में सबसे पहले आपको मिलता है प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल में आएंगे, वो देख लो फलक लड़की का नाम भी होता है, चमाड़ भी आ सकता है, पहले कंफर्म कर लिया करो जेंडर कौन है। अच्छा अच्छा देखिएगा, अच्छा भाई ये मेरा ऑफिशियल नंबर नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ से मेरा नंबर कॉपी करके मैसेज कर रहे थे, बेचारा मेरा मैनेजर परेशान होता है, इस नंबर पे मैसेज मत किया करो, मैंने जितने लोगों को दराज पढ़ाया वो यहाँ से मेरा नंबर कॉपी करते हैं कि ये ऑफिशियल नंबर है, अरे भाई नहीं है, मेरा पर्सनल नंबर अलग है, ठीक है। सो यहाँ से आपको अपने अकाउंट की पूरी सेटिंग पता चलती है, आपका ईमेल कौन सा डाला हुआ है, आपका नाम क्या डाला हुआ है, यहाँ से अपना सेलर लोगो आप लगा सकते हैं, ठीक है।
अब यहां से जो मेन चीज आपको बताने वाला हूँ वो ये देखिएगा, कमीशन दराज की किस कैटेगरी पे कितना कमीशन है वो आपको यहां से पता चलेगा, ठीक हो गया। क्या आप दराज यूनिवर्सिटी से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कैटेगरी है मोबाइल एंड टेबलेट्स, आप यहां पर आए तो आपको पता चला कि इसके ऊपर मोबाइल्स के ऊपर 2.20% कमीशन है, टेबलेट्स पे 1.60 है, एसेसरीज पे 12.90%। तो अब यहां से इसका कमीशन दे सकते, इस कमीशन को मैं आपको ऑटोमेटिक तरीके से भी चेक करना बताऊंगा, जो लोग पहले से दराज से बेच रहे हैं उनका कैसे पता चलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको सॉफ्टवेयर और एक्सटेंशन पढ़ाऊंगा, चलो उसके अंदर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, तो यहां से आप इसको देख सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देख लें, यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट क्या होती है कौन बताएगा? हाँ सब बताऊंगा, कैलकुलेटर भी बता दूंगा जी। यूजर मैनेजमेंट कौन बताएगा? बताए जल्दी बताओ यार, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। सुभान अल्लाह, मोहम्मद बिलाल ने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर दो तो यार, गूगल के बगैर बताना भाई। यूजर की डिटेल्स, यूजर्स की डिटेल्स, शाहरुख ने भी बिल्कुल गलत जवाब दिया। और बता दो जल्दी से, कोई एक बंदा फलक कह रहे हैं, आप ही बता दो। अच्छा अभी बता दो, दराज को तो पेट्रोल चला रहा है। अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंट सेटिंग में आता है, यूजर मैनेजमेंट में नहीं आता। एनीवन, व्हाट आर यू डूइंग मैन? नो, you are definitely wrong. Okay, let me tell you. User management. When I click on user management, Okay, so in user management, you will gonna manage the roles of your users. If you want to assign, हिंदी में बात कर लो। अच्छा हिंदी में बात कर लेता हूँ, हिंदी बोले तो दराज के माध्यम से अगर बात करें, अगर आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और पुश्तरों को अपने दराज के अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं, उर्दू चले उर्दू में बात कर लेते हैं जी। सो मैं आपको ये कह रहा था कि यूजर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपका स्टोर बहुत ज्यादा वायरल हो गया, ठीक है। अब आपने अपने स्टोर को किसी और से मैनेज करवाना, जैसे दराज के वीए काम करते हैं, ठीक है। अब आपने एक बंदा हायर करा कि भाई तू मेरा दराज का स्टोर संभालेगा, अब आप क्या करेंगे? उसको अपना आईडी पासवर्ड तो नहीं देंगे ना? अब आईडी पासवर्ड देंगे तो आपका पूरा दराज का स्टोर उस बेचारे के हाथ में चला गया। अब वो कुछ भी आपके दराज के स्टोर का कड़ बकड़ बमे वो कर देगा। तो आपने ये करना है कि आपने यूजर मैनेजमेंट में आके यहां से ऐड यूजर पे क्लिक करना है और उसका ईमेल एड्रेस ऐड कर देना है। अब क्या होगा, ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे और उसका रोल भी सिलेक्ट करेंगे कि आपने इसको कितना एक्सेस देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां से मैनेज रोल में से मैंने कहा कि फुल एक्सेस होगा तो क्या पूरा सेलर का एक्सेस आ जाएगा। मैंने कहा कि भाई स्टॉक अपडेट का मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ और डेकोरेट करने का एक्सेस दे रहा हूँ, क्या आप मेरी दराज की दुकान को डेकोरेट कर सकती हो। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उसका ईमेल एड्रेस डालूंगा, उसका नाम डालूंगा, यहाँ पासवर्ड डाल दूंगा। अब जब वो बंदा लॉगिन करेगा तो वो सिर्फ मेरा स्टॉक ही अपडेट कर सकता है, इसके अलावा और वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक हो गया। अगर मैं उसको अपने ऑर्डर्स मैनेजमेंट का एक्सेस दूंगा तो वो सिर्फ ऑर्डर ही मैनेज कर सकते हैं, इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ से हम ये काम करते हैं, आ गया समझ? आ गई तो बोलो हाँ, वरना बोलूंगा ठीक। फिर आ जाते हैं अकाउंट, यहाँ पर यूजर मैनेजमेंट के बाद आपके पास आ रहा है सेलर डॉक्यूमेंट्स। सेलर डॉक्यूमेंट्स में आपको टेम्पलेट्स और एपीआई डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, ये बिल्कुल सिंपल बेसिक है। राइट हैंड साइड पे आ जाए, राइट हैंड साइड पे आपको चैट मिल जाती है, आपके पास जितने मैसेजेस आए हुए होते हैं अपने कस्टमर्स के, नीचे दराज की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया हुआ था तो वो शोर होता है। यहाँ से आप वही हेल्प सेंटर जो आपको राइट लेफ्ट मिल रहा था वही राइट पे मिल रहा है, सेटिंग जो आपको लेफ्ट मिल रही थी वही राइट पे मिल रहा है। यहाँ से आपको रेटिंग पता चल रही होती है, झंडा आपको बता रहा होता है कि आप एक गलत जगह पैदा हो गए, मजाक करो, झंडा आपको बता रहा होता है कि आपका स्टोर जो है वो पाकिस्तान का है, ठीक हो गया।
पूरा डैशबोर्ड समझ में आ गया तो बोलो हाँ, वरना बोलो ना। हाँ अब करते हैं क्या, 1.5 लाख रुपए की बंटवारा। फटाफट अपना दराज का स्टोर का नाम वापस लिखते हैं, जल्दी से सब वापस से लिखते हैं। अच्छा कुछ लोग ना दिमाग चला रहे होंगे, अब थोड़ा अच्छा सा लिख देता हूँ बेटा, ऊपर वाले से मैच करूंगा, अगर मैच नहीं हुआ तो झूठ बोलने के जुर्म में आपको इस लकी ड्रॉ से बाहर कर दिया जाएगा। बस बाकी सब गायब है, कोई डील 26 के पहले तो था ही नहीं। अच्छा इन्होंने पहले भी नहीं बताया होगा फिर मेरे ख्याल से। ये लो सामान, अच्छा अगर आप सामान की स्पेलिंग सही लिखते ना तो मैं आपको ये इनाम दे देता। आपने स्पेलिंग सम्मान लिख दिया, सम्मान, ये लो सम्मान। मैं सम्मान थोड़ी दे रहा हूँ, सम्मान हिंदी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट देना किसी को। सही बोला मैं, मुझे हिंदी भी आती है बेटा। हाँ आप लोगों ने दराज से फ्लायर ऑर्डर कर दिए मेरे बच्चों, फ्लायर मैंने आपको बताया था पुरानी क्लास में। चलो यार मैं जल्दी से बता दूं, अक्कड़ बक्कड़ में वो करके किसको देना है। तो आप लोगों ने मैसेज आए जितने सारे करें माशाल्लाह, वो अकाउंट ही खो गए। वैसे मैं नए वाले से नहीं देख के दूंगा, पुराने वाले में से दूंगा। वैसे मैंने एक नाम सोच लिया था उस वक्त, लेकिन वो दुबई और अमेरिका के चक्कर में ना मैं भूल गया। अच्छा पहले मैं बता देता हूँ आपको मिलेगा क्या। जो भी बंदा विनर होगा उसको सबसे पहले मिलेगा कैनवा का प्रो अकाउंट फ्री में लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद यानी कि कैनवा प्रो जिसकी वर्थ इस वक्त आप सब्सक्रिप्शन लेने जाए तो 15,000 रुपए महीना है पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। 15,000 रुपए महीना की सब्सक्रिप्शन है जो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगी। नंबर टू कैनवा का ए टू जी कोर्स, व्हाट इज कैनवा से लेके कैनवा एडवांस तक का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। अमेरिकन मार्केट से किस तरीके से आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का काम लेना है ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा। अमेरिका में आपने अपना बैंक अकाउंट किस तरीके से खोलना है ये आपको मिलेगा। जब आप अमेरिकन क्लाइंट के लिए काम कर लेंगे तो उससे आपने पेमेंट कैसे पाकिस्तान मंगवानी है ये आपको मिलेगा। बस इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। So, टोटल एक्स आज के विनर हैं, टोटल एक्स तो खैर नहीं है, मोफी शॉप, ये लो सम्मान। ये मैं सच्ची बात बताऊं मुझे किसी का अच्छा ही नहीं लग रहा। या मैं सच्ची बताऊं उजैर का नाम मेरी समझ में आ रहा है, अभी खरीदो नाउ। अगर इसके एंड में नाउ नहीं होता, सिर्फ अभी खरीदो होता, मैं इसको बेचता था। क्योंकि मैंने अपना पहला स्टोर बनाया था उसका नाम था जस्ट खरीदो, तो तुम अगर अभी खरीदो रख देता मैं अभी तुम्हारा हो जाता। स्मार्ट स्टोर, टॉप नॉच, येलो सामान। अली भाई कहाँ से खरीदो, ये दुकान का नाम है। अच्छा डोमेन कहाँ से खरीदो, डोमेन अभी अबे हाँ मैं आपको बताता हूँ आपने डोमेन कहाँ से खरीदा। अच्छा आपने याद दिला दी, स्पोर्ट्स एम्पायर, ये तो आपने नाम ही गलत रख दिया ना। मैंने कहा था कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड नाम होना चाहिए। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। अब होगा ये कि मैं कोई 3 नाम ग्रुप में डालूंगा, ठीक है 3 नाम, बल्कि एक मिनट साहब यहीं रुके, मैं 3 नाम ग्रुप में डाल रहा हूँ। आपने वोट करना है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट आएंगे ग्रुप के अंदर वो होगा हमारा विनर। सिंपल 119 है ना आप लोग, 119 नॉमिनीज हैं। येलो समान अभी इनका नाम क्या, येलो समान वाला भाई कौन है, रियाज अहमद, ठीक है रियाज अहमद,
नंबर टू पे मैं डाल रहा हूं डी आर ए स्टोन, अच्छा नाम है, द रियाज अहमद स्टोन ना भाई, अब दोनों रियाज अहमद है क्या? अच्छा नहीं, वैसे मैंने तुक्का लगाया, वैसे आर ए का कुछ और मतलब होगा, ये फलक का है, फलक शीख। तीसरे नंबर पे मैं डाल देता हूँ, अच्छा वोट सबने करना है बाय द वे, हाँ ऐसा नहीं मेरा नाम ही नहीं आया तो मैं वोट ही ना करूं। तीसरे में डाल दें टोटल एक्स, चले चौथा भी डाल देते, एक और अच्छा लग रहा है, एक आया था भी आखिर में डील्स करके कुछ आया था, किधर गया, डील्स 26.tk। अच्छा ये ऑफर सिर्फ उनके लिए जिनके अकाउंट बन चुके होंगे, ऐसा नहीं कहना कि किसी का अकाउंट नहीं बना हुआ, पहले मैं अकाउंट देखूंगा दरास पे फिर ऐड करूंगा। डील 26.tk लगा दिया ग्रुप के अंदर, चलें भाई वोट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी, वोट सब करेंगे इंशाल्लाह, और ऐसे हम इस क्लास में मल्टीपल ऐसे प्रोग्राम करेंगे जिसकी मदद से जो है आप सबके इंशाल्लाह जाते जाते कैनवा प्रो का अकाउंट आप सबको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन जो पार्टिसिपेट करेगा भाई, डोमेन कैसे खरीदते हैं? डोमेन ऐसे खरीदते हैं आपके नाम पर जो भी डोमेन है वो लिखते हैं, मैं जहां से खरीदता हूँ वो है नेमचीप, आप नेमचीप पर आए, बल्कि नहीं मैं आपको एक टारगेट देता हूँ, यूट्यूब पर जाए और लिख के हाउ टू परचेज डोमेन, वहां से डोमेन खरीदना सीखे। अगर आप खुद से सीखना सीख गए ना, आपको किसी मेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंटिल अनलेस अगर आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए, आप कुछ भी सीख सकते हैं अगर आपको सीखना आ जाए, ठीक है? अच्छा देखिए, जिसका हब दराज, जिसका हब जो है, जिसका घर जो है दराज आपसे दूर है, वो ये करे वो दराज पे कॉल करे, और दराज पे कॉल करने के बाद वो दराज को अपनी प्रॉब्लम बताए कि भाई आपका हब मेरे से बहुत दूर है, मैं क्या करूँ। वो क्या करेगा, वो आपको कोई कोरियर पार्टनर साइन कर देगा, वो TCS हो सकता है, वो लैपर्ड हो सकता है, तकरीबन घरों के पास इनके जो फ्रेंचाइज इनकी जो ऑफिस होती हैं, वो आपको बोल देगा कि भाई आप जाओ TCS के ऑफिस में पार्सल दे दो, आप जाओगे अपना पार्सल लेके TCS के ऑफिस में स्कैन कराओगे, अब आप समझो आपने वो दराज को दे दिया, ठीक है? आपका मसला हल हो जाएगा, कोई ना कोई तो होगा, अल्लाह के बंदे जंगल में तो नहीं रहते ना, कोई तो होगा, लेपर्ड होगा, दराज होगा, TCS होगा, कुछ तो होगा। जी, मैंने सबको बोला हुआ है भाई दराज के जो फ्लायर है वो ऑर्डर कर दो, दराज के फ्लायर ऑर्डर करने का बिल्कुल जो है वो बेसिक तरीका मैंने आपको बताया था, दराज पे जाएं, जिस ईमेल से आपने दराज का अकाउंट बनाया उसी ईमेल से दराज पे लॉगिन करें, लिखें पैकेजिंग मटेरियल, फ्लायर आएंगे 600 रुपए वाले, वो ऑर्डर कर लें, देखें दराज पे आए, दराज की शॉपिंग वाली ऐप पर, ठीक है? ये लॉगिन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे साइन अप नजर आ रहा है, साइन अप करें उस ईमेल से जिस ईमेल से आपका दराज का स्टोर बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आपको अलग से करना पड़ेगा, उसके बाद सर्च के अंदर आए, सर्च में लिखिए पैकेजिंग मटेरियल, जरा मेरा नेट चल जाए मैं आपको बता दू, ये नहीं आया सर्च में, यहाँ लिखिए पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है? पैकेजिंग मटेरियल, सबसे छोटे 600 रुपए वाले फ्लायर, ये देख ले, दराज मॉल से ऑर्डर करने भाई, किसी और से ऑर्डर मत कर देगा, 600 रुपए की इन्वेस्टमेंट फटाफट कर दें और 600 रुपए के फ्लायर अपने घर में मंगवा लें, 1 से 2 दिन में ही आ जाते हैं, ठीक है? मंगवा के रखेंगे अपने पास, डन हो गया, सबकी समझ में आ गया? ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से लगा दूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, अब इंशाल्लाह ईद के बाद क्लास होगी, ठीक है? कल मेरी आखिरी क्लास है वेंसडे की, क्योंकि परसों फिर ईद है, और बस यही बताना था आपको, नेक्स्ट क्लास कब है ये मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ही करेंगे, मेरे ख्याल से मंडे से ही कंटिन्यू करेंगे, ताकि बेहतर तरीके से चीजों को ले सके, ठीक है? कल आप लोगों की क्लास नहीं है भाई, कल दूसरे बैच वालों की क्लास है, उनकी भी कोई क्लास लेने दो मुझे, माशाल्लाह बोले 119 बैच हो गया हमारे दराज के, अब कैलकुलेशन मत शुरू कर देना कितने पैसे कमा लिए, चलो
अपना ख्याल रखिए, इसके बाद आप लोग से मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ यूनिवर्सिटी नहीं भाई, इंस्टीट्यूट बन रहा है मेरा इंशाल्लाह, दो इंस्टीट्यूट ऑन हो रहे हैं, एक औरंगी में दूसरा डिफेंस में, आप लोग आइएगा, आप लोगों की दावत करूंगा, जरा दुआ करें बस सब अच्छे से हो जाए इंशाल्लाह, फिर वहां पे आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।